खबर पीलीभीत से आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अचानक घर में लगी आग, मचा हड़कंप। रात्रि के दौरान छप्परपोश घर में लगी आग, ग्रामीणों के सहयोग से मवेशियों को बचाया गया। बिसलपुर क्षेत्र के गांव नारायणपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी अपडेट आप तक खबर सबसे पहले पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को तरस रहे ग्रामीण, पात्रों को नहीं दिया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, दर दर भटकने को मजबूर। बिसलपुर के गाँव नारायणपुर में ओमकार मौर्य के छप्परपोश मकान में लगी आग, छप्परपोश मकान में आग लगने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों के सहयोग से बुझाई गई आग। बड़ी और अहम खबर यूपी अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। रात्रि के दौरान छप्पर में लगी आग, मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने बुझाई आग। बिसलपुर के गांव नारायणपुर में ओमकार भारती आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। घर के आंगन में पड़े छप्पर के अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, बमुश्किल मवेशियों को बचाया गया। मौके पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य लोकेश गंगवार के मुताबिक परिवार काफी गरीब है, वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना की दरकार कर रहा है लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया। बरसात के दिनों में जहां गरीब परिवार को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, वहीं कड़ाके की ठंड में बच्चे रात भर शीत लहर से ठुठरते रहते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य लोकेश गंगवार ने मामले की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से कर आवास दिलाए जाने की मांग की है। मामले की जानकारी हल्का लेखपाल को भी दी गई एवं मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की। अब देखना ही ये ठुठुरता हुआ परिवार कब छत के नीचे आ पाएगा। जिस परिवार की छत अब उसके सर से हट चुकी है, कब प्रशासन उसके सर तक छत को पहुंचा पाएगा। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर वन तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24x7। उत्तर प्रदेश में मात्र एक चैनल जो सीना चीर कर दिखाता है सच।